मध्य प्रदेश में गर्जी मायावती बोली, धन्ना सेठों की पार्टी है कांग्रेस, इनके झांसे में मत आना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपना दमखम लगाने में जुटी हैं। सोमवार को बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने लोगों से कहा कि वे जाति आधारित गणना की कांग्रेस की मांग के झांसे में नहीं आए। बसपा प्रमुख ने मध्य प्रदेश के अशोक नगर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न देने में भी देरी की थी। मायावती ने आगे कहा कि कांग्रेस के झांसे में नहीं आए जो जाति आधारित गणना की मांग कर रही है। आजादी के बाद कांग्रेस शासन में काका कालेलकर आयोग और मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी, लेकिन कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। चुनाव करीब आने पर कांग्रेस जाति आधारित जनगणना की बात कर रही है। मायावती ने कहा कि बीजेपी ने दलितों और आदिवासियों का शोषण किया है, बीजेपी पर साधा निशाना। वहीं मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को पूंजीपतियों और धन्ना सेठों की पार्टी बताते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की अब तक की सरकारों ने लोगों के लिए कोई काम नहीं किया और न ही दलितों पर कोई ध्यान दिया। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों ने आरक्षण को खत्म करने का काम ही किया है। बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को 33% आरक्षण का विधेयक लाया गया, लेकिन उसमें ऐसी कोई व्यवस्था लागू नहीं की गई जिससे महिलाओं का हित हो पाए। 17 नवंबर को होगा मतदान। बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है और 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे, लेकिन प्रदेश में सोमवार 6 नवंबर से वोटिंग करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। प्रदेश में करीब 5 लाख से ज्यादा वोटर 17 नवंबर से पहले ही अपना कीमती वोट डालेंगे। मतदान की इस प्रक्रिया को प्रदेश में 4.5 लाख कर्मचारी अधिकारी, 1,13,000 से अधिक दिव्यांग और बुजुर्ग के साथ 75,000 से अधिक सर्विस वोटर शामिल होंगे जो आम मतदाताओं से पहले ही वोट डालेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।